देखिए तो एक बहुत यार खान साहब बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है मैथ्स में कंप्लीटिंग द स्क्वायर ठीक है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इससे काफी चीजें हम करने वाली हैं करने वाले हैं धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर में यार ऐसा होगा कि अस यू पहले सिंपल करता है एक्स स्क् प्लस टू एक्स प्लस फाइव ऐसे करके एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा होगा है ना इसको द स्क्वायर करना है तो ये किस फॉर्मेट में आता है पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं ये कुछ ना है? ऐसा बनेगा फाइनली एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी कुछ ऐसा बनेगा मतलब रफली कुछ ऐसा बन जाएगा ये और ये जो लिखा है ये एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी इसको लेके हम क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफिकली रूट्स निकाल सकते हैं धीरे धीरे करेंगे आप चिंता मत कीजिए कुछ ऐसे करके ये ग्राफ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है पैराबोला तो इसके हम रूट्स निकाल पाएंगे और काफी कुछ कर पाएंगे वो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा बट दिस इज वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल स्किल्स that वी रिक्वायर यहां तक समझ आ गया समझ आ गया अब देखिए यही जो सिंपल वाला है मैं इसी को उठा रहा हूँ इसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी लेंगे तो एक्सक्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ हाफ कॉफिशेंट ऑफ एक्स का स्क्वायर एक्सप्लेन करता हूं देखिए ये एक्स स्क्वायर है इसका जो कॉफिशेंट है वो वन है ये एक्स है इसका जो कॉफिशेंट है वो टू है और ये तो खुद से कांस्टेंट है तो इसकी तो बात ही नहीं हो रही यहां तक मेरे साथ है खान साहब यहां तक कोई डाउट है ये जो मैंने यहां पर लिखा हाफ द कॉफिशेंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन बच्चों को यहां हो जाती है हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे चिंता मत कीजिए सो हाफ ऑफ कॉफिशेंट ऑफ एक्स ये कॉफिशियंट है ऑफ एक्स का स्क्वायर इस केस में क्या होगा कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्या है टू का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन ये समझ आ गया मैं दो तीन एग्जाम्पल लूंगा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगा आप चिंता मत कीजिए बट एक फ्रेज जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है हाफ द कॉफिश ऑफ एक्स का स्क्वायर ये इंपॉर्टेंट है ये समझ आ गया मैं यहीं पर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन हाफ कॉफिशंट ऑफ एक्स का स्क्वायर इसका मतलब क्या होगा हाफ कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्या है फाइव का स्क्वायर तो क्या होगा ट्वेंटी फाइव बाई फोर आंसर कोई डाउट है हाफ द कॉफिशेंट ऑफ एक्स का स्क्वायर निकालना आ गया कोई डाउट तो नहीं वापस इस पे आई इस केस में हाफ द कॉफिशेंट ऑफ एक्स का जो स्क्वायर था वो ये वन आया था तो ये जो इक्वेशन दी जा रही है ये जो इक्वेशन दी जा रही है इसमें इस इक्वेशन इस को लेंगे इसमें हाफ द कॉफिशेंट ऑफ एक्स का स्क्वायर एक बार ऐड कर देंगे एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे नहीं समझना कोई डाउट है वही सारा डाउट है बोलिए महता जी उसका डाउट देखिए भाई आपका कोई डाउट है? है तो मैंने कुछ नहीं किया ये मेरा ऑलरेडी एक्सप्रेशन था इसमें मैंने हाफ द कॉफी ऑफ एक्स का स्क्वायर को ऐड कर, कर लिया और सप्रेट कर लिया यहां तक ठीक है मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन करूंगा आपके सामने देखिए ये एक्सक्वायर प्लस टू एक्स है इसके साइड में ये प्लस वन लिख दूंगा ये वाला और फिर ये प्लस फाइव को बोलूंगा यार तू थोड़ा बाजू हट जा तू इसके साथ बैठ जा कोई डाउट है श्रिया कोई डाउट है अब ये देखिए क्या बन जाएगा ये बन जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस और। कोई डाउट है एक और क्वेश्चन देख लीजिए ये जो क्वेश्चन मैंने लिया ये तो यहां खत्म हो गया अब मैं ये वाला क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन तो ऐसे लिखा रहेगा हाफ द कॉफिडेंट ऑफ एक्स का स्क्वायर को मैं ऐड कर दूंगा और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मित्रों तो डाउट है कौन सा डाउट है तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव बाय फोर प्लस सेवन माइनस ट्वेंटी फाइव बाय फोर ये जो यहां लिखा है ना ये क्या बनेगा एक्स प्लस फाइव बाय टू का होल स्क्वायर कोई डाउट है खान साहब प्लस इसको आप जैसे भी ऐड करते हैं सेवन अपॉन वन माइनस ट्वेंटी फाइव बाय फोर आप शायद ऐसे ऐड करते हैं कि इंटू फोर कर देते हैं इंटू फोर कर देते हैं तो ट्वेंटी एट अपॉन फोर माइनस ट्वेंटी फाइव बाय फोर क्या हो जाएगा थ्री बाई ये आप यहाँ लिख देंगे मैडम डाउट है अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये कम्प्लीटिंग द स्क्वायर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है बिकॉज इसको लेके मेरा जो मैं पैराबोला बनाने वाला हूँ वो कैसे बनाऊंगा वो तो आगे की सरदर्दी है एटलीस्ट यहां तक तो हमें समझ आए कहां था कोई डाउट है अब इसका एक और दोस्त बनता है वो बनता है ऐसा अगर आप देख रहे हैं यहाँ माइनस आ गया यहाँ तो कोई डाउट है अब ये जो बनेगा ये बनेगा एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी बट प्रोसीजर सारा सेम है प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर नहीं सोचना कॉन्सेप्ट डाउट है नाइन बाय फोर आ गया अगर आप देखेंगे मैंने ये कंस जो नेगेटिव है उसको कंसीडर नहीं किया यहाँ तो कोई डाउट है फिर से मैंने ये इक्वेशन लिख दी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन और चुपचाप नाइन बाय फोर मैंने ऐड कर दिया और नाइन बाय फोर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया भाई को डाउट है मैडम डाउट है अब ऑटोमेटिकली चुपचाप एक्सक्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन बाय फोर को अपनी तरफ ले आइए और ये सेवन माइनस नाइन बाई फोर को अपने से दूर भेज दीजिए ये जो है ये एक्स माइनस थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं समझ में आया और ये ट्वेंटी एट माइनस नाइन नाइनटीन बाय फोर समझ आ गया मेहता जी मेहता तो जी समझ आ गया इसको वही ईशान समझ आया भाई को डाउट है वो कहाँ से आप चलेगी फ्रैक्शन अच्छा आप चेक कर रहे हैं ठीक है थैंक यू यहां तक समझ आ गया तो नेगेटिव भी बन सकता है रिया जी को डाउट है ये देखिए यहां पर जो है वो एक्स यहाँ पर जो है वो एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी की फॉर्मेट में आया और पहला जो आपने किया था वो एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी की फॉर्मेट में आया था यहाँ तक मेरे साथ डाउट है तो अब इन्हीं के दो भाई और हैं वो भी देख लीजिए कई बार कुछ ऐसा लिखा होगा थ्री एक्सक्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव अगर आप देख रहे हैं अभी एक्सक्वायर के साथ ये थ्री होगा बट इससे पहले जो एक्सक्वायर था उसके साथ कोई था नहीं ये देखिए यहां कोई एक्सक्वायर के साथ मतलब था नहीं मतलब वन था मेरी बात समझ में आई एक्सक्वायर का जो कॉफिशियंट था वो वन था बट अब जो मैं केसेस कर रहा हूँ वो वो केसेस कर रहा हूं जिसमें कॉफिशियंट ऑफ एक्सक्वायर कुछ है ये भी बहुत ही सिंपल है इसमें सिर्फ सिंपल ये कीजिए ये जो कॉफिशियंट है इसको बाहर ही निकाल दीजिए डाउट है फिर से देखिए हमने पहले जो दो एग्जाम्पल किए उसमें जो एक्सक्वायर का जो कॉफिशियंट था वो वन था अब इस केस में भी मैंने जबरदस्ती जो कॉफिशियंट ऑफ एक्सक्र है उसका उसका जो कॉफिशेंट है उसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया तू निकल रहा है यार बात मैं दूसरों से बात कर लूँ यहां तक मेरे साथ है अब इसके बाद जो इ... इसके बाद जो प्रोसीजर है वो सारा का सारा सेम ही है ये एक्स स्क्ट थ्री एक्स है हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर आपने प्लस और माइनस करना है मैं साइड में देख लेता हूं हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर ये बनता है फोर्टी नाइन अपॉन थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन अपॉन थर्टी एड कर दिया फोर्टी थर्टी सब कर दिया और साथ में लिख दिया फाइव अपॉन थ्री बस रिखिया कोई डाउट है यहां तक अब यू नीड टू ट्रस्ट मी आप खुद से वेरीफाई भी कर सकते हैं कोई रोक नहीं रहा आपको इट्स अ फ्री कंट्री ये जो है ये जो है ठीक है ना गड़बड़ तो नहीं है ना ठीक है तो ये होगा x प्लस सेवन अपॉन सिक्स का होल स्क्वायर ठीक है और यहां पर आपको फाइव बाई थ्री माइनस फोर्टी नाइन बाय थर्टी सिक्स करना पड़ेगा इंटू ट्वेल्व कर दीजिए इंटू ट्वेल्व कर दीजिए तो सिक्सटी माइनस फोर्टी नाइन इलेवन अपॉन थर्टी सिक्स यहां आ जाएगा इलेवन अपॉन थर्टी सिक्स मित्रों मेरे साथ हो मिश्रिया यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस कि ये जो है ये हम इक्वेशन से पैराबोला से मतलब ये मैं कहा यूज करूंगा यार ये मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करने में यूज करूंगा सेम जो चीज है वो आपको जब आप पैराबोला का चैप्टर करेंगे तो ये ये जो स्किल सेट है ये आपको वहां पर भी काम आएगा बट यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस कि मैं आपको ठीक रास्ते पे लेके जा रहा हूँ कहीं मैं लगता है ना ऑटो वाला गलत ही रास्ते पे लेके जा रहा है वैसा नहीं है ठीक रास्ते पर लेके जा रहा हूं खान साहब कोई डाउट है खान साहब बोलिए बोलिए ये जो है जी बोलिए एक सेकंड यार ये सेवन अपॉन सिक्स का स्क्वायर है सर तो ये सेवन अपॉन सिक्स का स्क्वायर है ना तो ये सेवन बाय सिक्स आ गया ऐसा कोई डाउट है एक सेकंड ओके मैं बताता हूं आपको और ये सेम स्किल मैडम हमें नेक्स्ट ईयर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे ट्वेल्थ में आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फिर से स्किल्स ऐसे करके कुछ आप करेंगे कि जैसे डी एक्स अपॉन अभी तो कुछ समझ नहीं आएगा यार मैं ऐसी शोबाजी कर रहा हूं ऐसे करके ना एक क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट ईयर करेंगे आप तो ये जो नीचे यहां लिखा हुआ है ना इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा इसको बेसिकली ये एक्सक्वा प्लस टू एक्स प्लस फाइव जैसे हमने ये यहाँ लिखा है ना ऐसा पर जो लिखा है ना एक्स प्लस टू का प्लस थ्री बाई फोर इस फॉर्मेट में उसको लेके जाना पड़ेगा वो करेंगे इट इज वन ऑफ द एसेंशियल स्किल्स आपको नहीं पड़ेगा तो फिर से देख लीजिए फिर से देख लीजिए मैं एक आपको फिर से बता देता मैंने अभी तक किया क्या देखिए पहले मेरे पास मैंने इक्वेशन ली ऐसी प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री की फॉर्मेट की इक्वेशन ली है ना फिर मैंने क्या किया इस फॉर्मेट की इक्वेशन ली एक्सक्वाइनस थ्री एक्स प्लस फाइव ठीक है, तीसरे में मैंने टू एक्स स्क् प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री का फॉर्मेट लिया और फोर्थ में मैंने टू एक्स स्क् माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव का फॉर्मेट लिया मेरी बात समझ आ रही है। हर केस में अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं हाफ कॉफिशेंट ऑफ एक्स का स्क्वायर जो है वो आपने एक बार एड करना और एक बार सब टैक्ट करना है। मेरी बात समझ आएगी आप एक काम कीजिए ना इसकी प्रैक्टिस कीजिए ये चारों क्वेश्चन कीजिए जरा अभी कीजिए शाबाश